आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर ने रोका छेका अभियान की शुरुआत कर गौठान के निरीक्षण किया। रोका छेका राज्य व्यापी अभियान की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की फसल सुरक्षा को लेकर किसानों की बात करते आए हैं। बमहनीडीह ब्लॉक के ग्राम सरहार में आज जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर, ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार चंद्रा, गौठान अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण राठौर, भरत कुर्रे एवं पशु चिकित्सक DR लहरे की उपस्थिति में रोका छेका अभियान की शुरुआत किया गया है। साथ ही पशुओं को HSBO का टीकाकरण भी किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर ने कहा है कि मवेशियों को खेतों में चरने से किसानों को बेहद नुकसान होता है, जिससे किसानों की मेहनत का फल नहीं मिल पाता। ग्राम के नागरिक जनों को आत्मनिर्भर बनकर इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के आह्वान पर गांव-गांव में इस अभियान को सफल बनाने के लिए सार्थक कदम उठाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदारी भी है। किसान, पशुपालक, ग्रामीण जन एकजुट होकर इस परंपरागत व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए ग्रामीण जनों के खुशी का माहौल है। रोका छेका अभियान से मवेशियों को नियंत्रण कर फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। किसानों के लिए यह चुनौती का कार्य होता है। इससे बाहर घूम रहे मवेशियों से हम सभी को छुटकारा मिलेगी। गोबर खाद की उर्वरक शक्ति बढ़े, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, बेरोजगारों को रोजगार मिले, इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर ने जानकी जिले के सबसे बड़े गोठान के लिए भूमि है, इसे विकसित करने की आवश्यकता है। यहाँ की महिलाओं के स्व सहायता समूह को जमीन उपलब्ध कराने से बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मशरूम एवं कुटीर उद्योग में लाभ मिल सके, इस दिशा में पंचायत प्रतिनिधि को आगे आने के लिए आह्वान किया है। प्रमुख रूप से सुरेश कुमार, श्रीमती शीला कंवर, करमन लाल केमठ, राकेश चंद्रा, दीपक चंद्रा, सहस राम ढीमर सहित ग्रामीण जन शामिल हुए।